आज रामायण काल और श्रीहरि विष्णु के छठे अवतार परशुराम के जीवन पर प्रकाश डालेंगे और जानना चाहेंगे कि आखिर परशुराम ने क्यों किया अपनी ही माँ की हत्या। परशुराम के पिता जमदग्नि और माता रेणुका थी। माता रेणुका और जमदग्नि के चार पुत्र थे और परशुराम अपने तीनों भाइयों में सबसे छोटे थे और सबसे ज्यादा आज्ञाकारी भी। पौराणिक कथाओं के अनुसार जमदग्नि एक दिन अपनी अर्धांगिनी रेणुका से हवन के लिए लकड़ी लाने का आदेश देते हैं। रेणुका ने भी हाँ कहते हुए हवन के लिए लकड़ी लेने के लिए जंगल की ओर प्रस्थान कर गई। लेकिन रेणुका हवन की लकड़ियाँ लेकर हवन के समय नहीं पहुँची। इस पर जमदग्नि बहुत क्रोधित होते हैं और रेणुका से समय पर नहीं पहुँचने का कारण पूछते हैं। ये सुन रेणुका अपने पति को कहती है कि लकड़ी लेते लेते वो जंगल में काफी आगे निकल गई थी, इसलिए उन्हें लौटने में देरी हुई। जमदग्नि रेणु पर बहुत क्रोधित हुए और अपनी दिव्य दृष्टि से देखने की कोशिश की कि आखिर सही कारण क्या है जिस वजह से रेणुका को देरी हुई। उन्होंने अपने दिव्य दृष्टि से देखा कि रेणुका गांधर्वों और अप्सराओं की एक नदी में चल रही खेल को देखने में व्यस्त थी। जमदग्नि को बुरा लगा कि उनकी अर्धांगिनी अपने ही स्वामी से झूठ बोल रही है। तब उन्होंने अपने पुत्र से कहा कि वो अपनी माता का सिर काट दे। हालांकि चार पुत्र में से तीन ने पिता के आदेश का पालन नहीं किया, किंतु परशुराम ने पिता की ओर से दिए गए आदेश का पालन किया और अपनी माता का सिर काट दिया। साथ ही पिता के आदेश अनुसार अपने तीनों भाइयों का भी सिर काट दिया, क्योंकि तीनों भाइयों ने पिता की बात नहीं मानी। लेकिन इन सब के बाद परशुराम ने अपने पिता से कहा कि मैंने आपके आज्ञा का पालन किया है, इसलिए आपको मेरी माता और तीनों भाइयों को पुनः जीवित करना पड़ेगा और उन्हें यह स्मरण नहीं रहना चाहिए कि मैंने उनका सिर काटा था। अब परशुराम भी माता की हत्या के दोष से मुक्त होना चाहते थे, इसलिए उन्होंने चित्तौड़गढ़ के शिव की तपस्या कर अपने ऊपर लगे इस दोष से मुक्त हो गए।